सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। काम तो रोजगार तो बिल्कुल नहीं है। आरओ या आरओ की आई थी वो भी रद्द हो गई, ठीक है। और ये आई थी यूपी पुलिस की, ये भी रद्द। ये क्या है कि बस एक किस्म का पैसे कमाने का फंड है सरकार का। बहुत बड़ा मुद्दा है युवाओं के सामने। आप देख लो कितने युवा हैं, ये सब बेरोजगार हैं, क्रिकेट खेलने आए हैं। यहाँ फॉर्म भरे गए 50 लाख से भी ऊपर, 400 रुपये फीस, आने जाने का किराया, जितना 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 फीस थी, देखो कितना पैसा इकट्ठा हुआ। और फिर रद्द पड़ती रद्द। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था और उस पर काम सब फैल है जी। हमने खुद फार्म भरा था, कैंसिल होगा। बताओ आईटीआई कर रखी, पढ़े लिखे हैं, बताओ नहीं घूम रहे हमारा। नए लड़कों के लिए कहाँ पे नौकरियाँ हैं? बीटेक वाले बंदे 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में मजबूर हो गए नौकरियाँ करने में। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। बराबर सबकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सीसीए में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी रण तैयार हो चुका है और 19 अप्रैल में यहाँ मतदान होना है। हम आज यहाँ सहारनपुर लोकसभा सीट पर है। मैं आपको बता दूँ, सहारनपुर से भाजपा से राघव लखनपाल जी चुनावी मैदान में है, उधर बसपा से माजिद अली जी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, और इंडिया गठबंधन से बात करूँ सपा से तो इमरान मसूद जी कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ। आज हम यहाँ रामपुर मनिहारन में है, जो रामपुर मनिहारन की विधानसभा सीट भी पड़ती है और सहारनपुर लोकसभा में भी आती है। यहाँ के हमारे हमारे साथ कुछ नौजवान साथी हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या मानना है इन लोगों का, नौजवानों की क्या राय है। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, क्या नाम अपना? मेरा नाम अरुण कुमार है जी। अरुण भाई, चुनाव आ गए, 19 अप्रैल में चुनाव होना, क्या देख रहे हैं सहारनपुर लोकसभा सीट पर, क्या देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको? हाँ तो जी, माजिद अली जीत रहा जी, बसपा से जो जो बसपा से जी। तो ऐसा क्या आपको अच्छा लगा माजिद अली जी में या बाकी और प्रत्याशी में, क्या आप देख रहे हैं भाई, किस तरह के काम रहे? देखो यहाँ जो वोटों की कैलकुलेशन करे जा तो यहाँ सबसे ज़्यादा है एससी की, जो है कोर्ट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और उसी हिसाब से जो मोमडन भाई हैं वो भी सभी नहीं सपोर्ट करेंगे माजिद अली को ही। तो जिधर रुझान रहेगा उसी तरफ वोट जाएगी। और बस बसपा का गढ़ कहा गया है कहीं ना कहीं, जो सहारनपुर सीट है। हाँ, हाँ, पहले भी बसपा ही जीती है। जी, 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 जी। तो आपको क्या लगता है सरकार की अगर बात करूँ तो उनका काम कैसा लगा? 10 साल हो गए मोदी सरकार। बस जी, काम तो रोजगार तो बिल्कुल नहीं है और विकास भी बस ऐसा ही है। विकास तो देखो सब चीज़ रोजगार से ही है। अगर जब रोजगार बच्चों को मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा तो सब चीज़ बढ़िया ही है। क्योंकि कोई गरीब घर का अगर जब बंदा लगता है जॉब करता है तो वो अपने घर को चला रहा है, अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी दे रहा है, अपने परिवार वालों को अच्छा पढ़ा लिखा रहा है, तो वो उसे बेनिफिट होगा। तो इस वजह से क्या है कि युवाओं को रोजगार चाहिए। तो उस तरह की नौकरियाँ, ये तो कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत नौकरियाँ दे रहे हैं हम लोग, पुलिस भर्ती भी निकली है और रद्द हो गई, खैर। तो इनका काम रोजगार पे कैसा रहा मोदी सरकार का? अब तक की देखो 2-3 मुद्दे हैं जिन पे मैं विचार करना चाहता हूँ। एक तो शिक्षा मित्र वगैरह हैं, ये जो काफ़ी एज के हैं और सरकार ने इनका जो रोज़गार छीना है उनके परिवार वालों पे देखो क्या बीत रही है, ठीक है। और दूसरी बात है, अभी कोई सी भी भर्ती ले लो आप, आर ओ या आर ओ की आई थी वो भी रद्द हो गई, ठीक है। और ये आई थी यूपी पुलिस की, ये भी रद्द। ये क्या है कि बस एक किस्म का पैसे कमाने का फंड है सरकार का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देख लिया कि इलेक्शन है, नज़दीक है, वैकेंसी निकाल दो, बस भ्रमित कर दो जनता को, और कुछ नहीं है भाई। कहाँ आपको कमी नज़र आवे? भर्तियाँ रद्द हो रही, जैसे अभी आपने कहा सरकार की कमी है, और क्या मेरी आई या आपकी कमी है, सब सरकार की कमी है। तो इस बार किधर रुझान बन रहा है बताया मुझे, दिल्ली है बस पास। क्या नाम भाई साहब? नितेश कुमार। नितेश भाई, सहारनपुर लोकसभा सीट है, हम बात कर रहे थे भाई चुनाव आगे, क्या लग रहा है, किधर देख रहे हैं आप, इस बार रुझान क्या बनेगा सहारनपुर का? इस बार रुझान तो बस बसपा का ही है, माजिद अली का भाई, सहारनपुर लोकसभा सीट पर। और पिछले जो सांसद हैं उनके काम कैसे लगे आपको? फजलुर रहमान ठीक ही लगे, फजलुर रहमान दूसरे किस्म के आदमी थे, राजनीति में भी ठीक है फजलू, बस किसी कारण बस बहन जी ने नहीं टिकट दिया दोबारा। तो माजिद अली भी ठीक है, उनका समाज गाढ़ा समाज बहुत ज़्यादा हमारी सीट पर है, तो ज़्यादातर सब लोग माजिद अली को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो बसपा की सीट आराम से निकल जाएगी। बसपा का एक गढ़ भी कहा जाता है सहारनपुर, और पहले भी सीट बसपा ने जीती है कई बार,
तो बाकी और जो पार्टियां हैं उनका क्या लगता है आपको? भाजपा भी है, सपा भी है, इमरान मसूद जी भी मैदान में है, जाने माने राजनेता है इस क्षेत्र के, उन आप कैसे देखते हैं कि भाई जो चुनाव है इस बार किस तरह का चुनाव रहने वाला है? इमरान मसूद की ऊपर से लोगों का विश्वास छूट गया जी। पिछले और 9-10 चुनाव हम भी देखते आ रहे, जब से एक भी चुनाव नहीं जीत पा रहे, एक भी चुनाव नहीं जीता है नाम इमरान मसूद ने, तो उसकी तरफ से लोगों का रुझान हट गया। एक ही भाजपा मजबूत स्थिति में, उसे रहने के लिए सब एकजुट होकर बसपा पर मतदान करेंगे। तो जनता क्या देख रही है, जनता किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में आ रही है? मुद्दे तो बहुत है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। सारे युवाएं हैं देखो यहाँ पे कितने, अगर इनके पास रोजगार होता यहाँ पे क्या क्या करते, दोपहर में काम करते कहीं? मोदी जी तो कह रहे हम रोजगार भी दे रहे हैं, योगी जी भी कह रहे हैं हमने इतने इतनी इस तरह की चीजें खड़ी हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं कि भाई रोजगार की व्यवस्था होगी। आपको लगता है ऐसी चीज हुई है पिछले 10 सालों में? पास रोजगार की तो अब तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ भाई, तो युवाओं के सामने बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है युवाओं के सामने। आप देख लो कितने युवा हैं, ये सब बेरोजगार है, क्रिकेट खेलने आए यहाँ। ये जो भर्तियां रद्द होती है, अभी यूपी पुलिस की भर्ती आई, 60,000 वैकेंसी आई, तो ये जो भर्तियां रद्द हो रही है इसका क्या कारण आपको नजर आ रहा है? पैसा कमाना, एक आदमी से देखो जितनी फॉर्म भरे गए 50 लाख से भी ऊपर, 400 रुपये फीस, आने जाने का किराया, जितना 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 फीस थी देखो कितना पैसा इकट्ठा हुआ, और फिर रद्द भर्ती रद्द। अब इतने गरीब लड़के हैं कहाँ से लाओगे इतने पैसे, बार बार फार्म भरा जाओ कैंसिल। आपको भी लगा चुनाव के समय भर्ती निकाल ली भाई, कहीं ना कहीं लुभावने वादे थे इस तरह के? लुभाने वाली बात, वो तो भंडा फोड़ होगा जी, उनका भर्ती भी पहले ही कैंसिल होगी चुनाव से ही, बताओ क्या करें रोजगार में युवा क्या करेंगे। मोदी जी का काम कैसा लगा? कह रहे कि भाई अब की बार 400 पार, पेपर लीक हो गया, शादी सी तो है भाई, इतने पेपर लीक हो गए इतने प्रशासन के बाद, यह शादी सी तो है लोट लेने की, बताओ अन्य किस तरह लीक हो जाते पेपर, जब इतना प्रशासन है इस दुनिया में, इतना शासन है इनके, हर एक जगह इनकी हुकूमत है, बताओ कहाँ से। ये तो कह रहे थे अगर 14 की बात करूँ तो भाई 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे जब सरकार आओगी हमारी, क्या ऐसा हुआ? अभी 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था और उस पर काम सब फैल है जी, हमने खुद फार्म भरा था कैंसिल होगा, बताओ आईटीआई कर रखी, पढ़े लिखे हैं, बताओ नहीं घूम रहे हमारा, बताओ कोई रोजगार नहीं है, बेकार है सर, समस्या है रोजगार, बिल्कुल बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ा मुद्दा ही तो यही है, समस्या क्या क्या कहते हैं भाई जी? सबसे बड़ा मुद्दा ही रोजगार का है, रोजगार का है भाई जी, सबसे बड़ा मुद्दा। तो ये जो वादे किए गए थे भाई 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, मोदी जी ने बड़े स्टेज से कहा था कि भाई हम युवाओं के लिए व्यवस्था करेंगे रोजगार की, आपको लगा 10 सालों में काम हो पाए इसे? अजी आप ही बता दो आप कहाँ पे काम हुआ, नए लड़कों के लिए कहाँ पे नौकरियाँ हैं? बीटेक वाले बंदे 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में मजबूर हो गए नौकरियाँ करने में प्राइवेट सेक्टरों में, बताओ कहाँ है रोजगार? अगर रोजगार होते तो फिर ऐसे थोड़ा ना प्राइवेटों में काम करते, सभी सब रोजगार बेले पड़े हैं सभी लड़के। आज का जो नौजवान है वो किस तरह की मानसिक परिस्थितियों से घिरा हुआ है या किस तरह से देख रहा है? सरकार जो है, सरकार बन रही है, चुनाव के साथ चुनाव होते जा रहे हैं, युवाओं की क्या स्थिति आज के दौर में? युवाओं की तो स्थिति यही है कि युवा तो नहीं देख रहे कि जो रोजगार देगा आगे, जो अच्छी वो करेगा, इवा फिलहाल तो यहाँ इसकी माजिद के साथ में है बसपा से, जो बसपा से कैंडिडेट है सहारनपुर सीट से, तो बसपा के साथ में है, बाकी जो मोदी की सरकार चल रही है वो तो उन्होंने तो सिस्टम सारा हैक कर रखा है, वाल उनका तो नाम चल रहा है। वो तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, कैसा संभव हो पाऊंगा? अभी देखो जैसे कि वो कह रहे जैसे मशीनों में लग रहा है वैसे तो वो 400 भी पार कर देंगे, जैसे कि चल रहा है वो तो उससे भी ज़्यादा पार हो जाएगा। पहले ऐसी स्थिति थी भाई आदमी जैसे रोजगार की आप बात कर रहे हैं, पहले ज़्यादा था या अब ज़्यादा हुआ है रोजगार की समस्या? रोजगार की समस्या तो बढ़ती जा रही है 2014 के बाद, तो बढ़ती जा रही है। पहले तो रोजगार ये था कि हर साल और नहीं कुछ नहीं, आर्मी की वैकेंसी निकल भर्ती निकलती थी, हर साल होती थी, सहारनपुर में भी होती थी, मेरठ में होती थी, जिले वाइज हर जगह होती थी, अब वो ख़त्म ही कर दी सारी। अब बताओ अब कहाँ रहे, 2014 के बाद तो कहीं भी रोजगार नहीं है, कहीं भी वो नहीं है। जनता और नौजवान समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को? चुनाव है जैसे अभी। जी अभी देखो समझ भी रहे हैं कुछ आदमी, समझ भी रहे, बोल नहीं पा रहे हैं, जैसे कि अभी देख लो दिल्ली में है केजरीवाल जी हैं, अगर कुछ बोला तो उन पर ईडी का छापा लगवा दिया, ऐसे बहुत से नेता हैं जिन पर ईडी का छापा लगवा दिया, तो इस करके उस डर से सब शांत बैठे हैं। इस बार तो जो भी चलेगा अंदर खानी चलेगा चुपचाप साइलेंट तरीके से।
क्या नाम आपका? सचिन। सचिन भाई जी नमस्कार। जी भाई साहब नमस्कार। भाई साहब क्या लग रहा जी, चुनाव आ रहे 19 अप्रैल में मतदान होना है, ये सहारनपुर की लोकसभा सीट है, आप किस तरह से देख रहे हैं चुनाव? चुनाव तो देखिए हर 5 साल बाद आते जाते ही है, पर फिलहाल जो कंडीशन है देश की बहुत बुरी है, क्योंकि बस प्रॉपर मोदी जी चाह रहे बस हमारे 4 सीटें हमें जीत पाए, कोई नहीं जीत पाए, जो भी नहीं खिलाफ जाता है उन्हें ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे, सब यही चीज़ है। और पब्लिक बड़ी परेशान है, महंगाई इतनी हो गई है, कोई महंगाई बोली थी घटेगी, कोई नहीं घट पाई आज तक महंगाई, और बढ़ती जा रही दिन ब दिन, एक मिडिल परिवार बस अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है। तो नौकरियों का वादा किया गया था भाई 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ऐसा तो नौकरी में कोई सिस्टम नहीं है। देखिए पहले जो हमारे मतलब ऐसे समाज के बच्चे हैं जो उन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाती थी, अब सरकार ने उन पर कटौती कर ली है। पहले बच्चे जाके पढ़ने पर शिक्षा शिक्षित ना हो पाए, इसी रीजन से उनकी स्कॉलरशिप उनको मिल नहीं पा रही है प्रॉपर तरीके से, और एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल ही लो कर दिया है। अब जिसकी जिसके घर में 2 बच्चे हैं वो कहाँ से पढ़ाएगा, इतनी फीस महंगी हुई है, 40-40 हज़ार फीस है स्कूल लगी, तो फीस भरने 3 साल बाद भी 4 साल डिग्री डिप्लोमा करने के बाद भी बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, वो ढाली ऐसे फिरते हैं घर पे। भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार, आपको क्या लगा कि भाई क्या उन लोगों ने इस तरह के काम किए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जैसे मुद्दों पर? देखो सीधी सीधी बात है, हम सिटी के चुनाव हुए थे चंडीगढ़ में, तो जहाँ से घोटाला हुआ तो प्रॉपर 400 के पार तो कोई भी घोटाला कर ले, मशीनें उनकी है सब, ईडी उनके पास है, चुनाव आयोग सब उनके पास है, कुछ भी जिसके चाहे बोल रहे अपोजिट पार्टी को दबाए रखा है, कांग्रेस से बैंक अकाउंट बंद कर दिए उन्होंने, केजरीवाल जी छापा मरवा दिया है, जो भी उनके खिलाफ जाते हैं तो बंद ही करवा देते हैं प्रॉपर, तो ये है। 10 साल का काम आपको कैसा लगा, आप नौजवान होने के नाते उनके काम को कैसे देखते हैं मोदी? 10 साल का काम ये है, चलो मोदी जी ने सड़कें तो अच्छी बनवाई है, व्यवस्था भी योगी जी ने पुलिस कानून व्यवस्था अच्छी करवाई है, पर उस चीज़ से हटके थोड़ा सा ये करें ना कि भाई रोजगार दे अपना बच्चों, मेडिकल सुविधा अच्छी करे, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया करे, ताकि ये नहीं कि एक बार बैठे सत्ता में चलो अपनी चलाए, सबकी तरफ ध्यान दे, गरीब अमीर सब है दुनिया, अमीर की तरफ कोई मतलब नहीं है कि अमीर ही अमीर चल रहे हैं भाई, जैसे अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, बराबर सबकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और मेन पर्पस तो मेरा है मेडिकल सुविधा और एजुकेशन सुविधा अच्छी करनी चाहिए सरकार को। पहले भी मेडिकल सुविधा की आप बात कर रहे हैं, पहले कुछ चीज़ें सुधरी थी, अब सुधरी है या और घटी है ये चीज़ें? देखो यहाँ पे सहारनपुर में एक PGI है सेंटर दिया था अखिलेश यादव ने, श्री ने सॉरी मायावती ने बनवाया था, तो उसके बाद उसका नाम दिया था अखिलेश यादव ने, पर उसके बाद उसका कोई विकास नहीं हो पाया, क्योंकि अभी कोई पेशेंट यहाँ जाता है तो यहाँ चंडीगढ़ जाना पड़ता है, उसको सीधा देहरादून जाना पड़ता है, मतलब ऐसी सुविधा नहीं है सहारनपुर में सेंटर की। तो मेरा मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में और मेडिकल में अच्छा अच्छा अपना काम होना चाहिए जी। ऐसा क्या, चलो अच्छा ठीक है। अच्छा एक सवाल हो रहा आपसे, सहारनपुर लोकसभा सीट है भाई, हम आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं भाई, उत्साह है चुनाव में जनता के बीच या धीमी गति से चल रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भाजपा मैदान में है, सपा से इमरान मसूद जी भी है, भाजपा से राघव लखनपाल है, और बसपा से माजिद अली जी है, बसपा की सीट पिछली बार बसपा यहाँ से जीती थी, इस बार क्या देखते हैं? नहीं इस बार ही बसपा का काफ़ी बढ़िया गठबंधन है, क्योंकि दलित मुस्लिम एक है इस बार, तो जो यहाँ पर है फिलहाल लखनपाल जी भी फाइट में, ऐसी बात नहीं है कि वे फाइट में, पर माजिद अली यहाँ से सीट निकाल पाएंगे। हम रामपुर मनियारन में थे नौजवानों के बीच, और हमने यहाँ लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बातचीत की, लोगों का मानना है कहीं ना कहीं बसपा मजबूत है यहाँ, और माजिद अली जी चुनाव में आगे है, और हम लोग यही चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लोगों की राय है, क्या लोगों का मानना है। लोगों ने कहीं ना कहीं बसपा पर भरोसा जताया है यहाँ पर नौजवानों ने। जुड़े रहे CCA के साथ, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।